साथ प्रीति बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। थ्री इडियट का अफोंसो वांगड़ू तो आपको याद ही होगा, जो देश का एजुकेशन सिस्टम बदलने चला था और खुद एक इनोवेटिव स्कूल भी चलाता है। उसी अफोंसो वांगड़ू की तरह हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रियल लाइफ अफोंसो वांगड़ू से। स्कूल की पढ़ाई में मैथ्स और साइंस से पार पाना बहुत ही टेढ़ी खीर होता है, लेकिन अगर कोई आसान नुस्खा या मेथड मिल जाए तो इन विषयों की पढ़ाई मजेदार और आसान हो जाती है। पढ़ाई को आसान बनाने की कोशिश की है अमेरिका से नौकरी छोड़कर आए मनीष ने, जो बन गए हैं रियल लाइफ फुनसुक बांगड़ू। अलीराजपुर के सरकारी टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही हैं ये मनीष जैन। मनीष टीचर्स को समझा रहे हैं कि साइंस और मैथ्स को सरल तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। आईआईटी छात्र रहे मनीष चाहते तो अमेरिका में अपनी जॉब से खुशहाली की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन मनीष ने संघर्ष की राह चुनी और भारत लौटकर देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई के सरल तरीके की ट्रेनिंग दे रही हैं। हमारे जितने भी कॉलेज हों या विद्यालय हों, अभी भी हम लोग चौक और टॉक की बातें करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। हाथों से कुछ चीज बनाकर जब कोई चीज करी जाए तो जो आंखों में चमक पैदा होती है वो एक तरह का भूत, एक तरह का जुनून हमारे कक्षा में बच्चों के जब होगा तब हम देखिए कितनी प्रगति से आगे बढ़ेंगे। मनीष की ट्रेनिंग में शामिल टीचर साइंस और मैथ्स के जटिल फॉर्मूले को सरल तरीके से समझना सीख रही हैं। शिक्षकों की पूरी उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग उन्हें बच्चों को पढ़ाने में बड़ी मदद करेगी। आज हम यहाँ पर विज्ञान कार्यशाला में आए हैं और यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि बच्चों को अध्यापन कार्य किस प्रकार से खेल खेल में करवाया जाए, कम समय और कम लागत में छोटे छोटे विज्ञान के मॉडल बनाकर विज्ञान की संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। मनीष जैन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा भी शामिल हुए और मनीष के पढ़ाने के तरीके से प्रभावित हुए। स्कूल में आने के बाद लेकिन हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो एक मैकेनिकल तरीके से एक रोबोट के जैसे एक अनावश्यक डिसिप्लिन में बंध के और जैसा हम सिखा रहे हैं वैसा ही सीखे। ऐसे प्रकार के वातावरण में जो नेचुरल लर्निंग कैपेसिटी है वो हिंडर हो जाती है। विश्व में जितनी भी स्टडीज हुई उसमें सभी में यही निष्कर्ष निकला है कि यदि बच्चों को खेल खेल में कोई चीज़ सिखाई जाए तभी वो इसको एंजॉय करते हैं और सही मायने में एक जो ज्ञान अर्जन है तभी हो पाता है। रट्टा मारकर याद करने और परीक्षा में नंबर लाने भर से हम किसी विषय से पैदा डर पर जीत नहीं हासिल कर सकते। खेल खेल में अगर जटिल फॉर्मूले को समझने की ट्रिक मिल जाए तो क्या कहने। यतिंद्र सिंह सोलंकी, बंसल न्यूज, अलीराजपुर। तो मनीष जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिलहाल गुजरात के गांधीनगर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मनीष जी सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा मेरा कि अमेरिका की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भारत में ये पहल करने का ख्याल कब और कैसे आया आपको? अमेरिका से वापस आए तो काफी समय हो गया और जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मैं कुछ समय तक बैंगलोर में चिप डिजाइन की नौकरी करता था। करीब 10-11 साल अमेरिका में था, उसके बाद थोड़े समय बैंगलोर में था। बट 2012 के आसपास एक पीसा टेस्ट होता है जिसमें सारे ही विकासशील देश भाग लेते हैं और विकसित और विकासशील देश, उसमें भारत का भी को उसमें भाग लेना पड़ा और उसमें हमारे देश का नंबर 73 देशों में 73 था। और जब ये नतीजे निकले तब उसमें ये बात थोड़ी सी बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि लिटरेसी यानी साक्षरता और गणित विज्ञान और भाषा की समझ दो अलग चीज़ें हैं। हम साक्षर तो हैं लेकिन जो हमारी शिक्षा है गणित हो या विज्ञान की वो हमारी ज़िंदगी में हमें कितनी सहायता कर पाती है या कितनी हमें ज़िंदगी चलाने के लिए सक्षम कर पाती है, वो समझ हमें विज्ञान और गणित की ऐसा लगता है कम है। तभी हमारा नंबर 73 देशों में 73 था। जब ये नतीजे आए तब मैं अपने आप अपनी जिंदगी में खुद कुछ सार्थक भी करना चाहता था और उसी सिलसिले में मेरी अरविंद गुप्ता जो मेरे मेंटर फिलोसोफर गाइड मित्र सभी हैं उनके साथ में काम करने चला गया, जो खुद ही कितने ही समय से इसी तरह से खिलौने के माध्यम से बच्चों को गणित और विज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वहां पर लगभग उनके साथ 3 साल सीखता रहा और अब IIT गांधीनगर जो कि भारत सरकार का उपक्रम है उन्होंने हमें ये जगह दे दी है। मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, गौरव जो हमारे साथ अलीराजपुर में गए थे वर्कशॉप करने और मेरे
लेफ्ट हैंड साइड में नीरज, हम पांच लोग यहाँ पर मिल और दो लोग और साथी हैं जो अभी बाहर गए हुए हैं, हम पांच लोग मिलकर यहाँ पर ये छोटी सी प्रयोगशाला चलाते हैं जिसमें पीछे आपको ये सब मॉडल्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही कम सामान से बन सकता है, जिसको बनाकर बच्चे बड़ी ही रुचि से गणित और विज्ञान को समझ भी सकते हैं और मजा ले सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे मॉडल्स हर क्लास का बच्चा बना सकता है, चाहे वो प्राइमरी का हो, मिडिल का हो, हाई स्कूल का हो, या आगे जाकर बीटेक का भी बच्चा हो, तो वो ये सारे खिलौने के माध्यम से खुद समझ भी सकता है, बना सकता है और आगे एक्सप्लोर करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ सकता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हाथों से ये सब काम करना निहायत ही जरूरी है, ऐसा हमें समझ में आया और ऐसा ही हम यहाँ पर IIT गांधीनगर में करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये सभी खिलौने बनाते हैं और फिर जगह जगह जहाँ पर जैसा मौका मिले जाकर वर्कशॉप भी करते हैं, जैसा हमने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जाकर लगभग 4000 शिक्षकों के साथ ये कार्यशाला करी। उसी सिलसिले में अलीराजपुर में भी हम लोग पहुँचे, वहाँ के जो कलेक्टर हैं काफ़ी कुछ बदलना चाहते हैं, यंग कलेक्टर हैं, उन्होंने हमको चिट्ठी लिखी और हम लोग वहाँ पर गए, दो तीन बार जा चुके हैं और वहाँ पर अब चाहते हैं कि एक बहुत बेहतरीन साइंस पार्क की स्थापना हो पाए, ताकि बच्चों ऑल द चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे और बड़े हैं और अभिभावक भी हैं, टीचर्स भी हैं, वो इंस्पायर हो पाए। जो हमारा पाठ्यक्रम है अभी इतना नीरस है कि ऐसा है कि ऑलमोस्ट खिचड़ी खाने के बराबर है। आप कल्पना करिए, अगर आप रोज खिचड़ी खाएंगे और 8 घंटे खिचड़ी खाएंगे, 200 दिन और 12 साल तक हम अपने बच्चों को अगर खिचड़ी खिलाते रहेंगे, तो विषय जो सबसे रोचक चीजें हैं विषय की, वो बिल्कुल ही बाहर रह जाती हैं और ऐसा होने से विषय बिल्कुल नीरस हो जाता है, मन नहीं लगता है। और ऐसा ही हमारे स्कूलों में भी होता है, कॉलेजों में भी होता है। तो हम चाहते हैं कि इस छोटी सी पहल से विषय थोड़ा सा रोचक हो जाए, हाथों से काम करने के लिए बच्चों को भी मजा आने लगे, टीचर्स को भी मजा आने लगे और इस तरह से वो इंस्पायर हो पाए, ताकि कुछ अपने देश में भी अच्छा काम हो पाए। जी, जैसा कि आपने बताया कि सीखो और करो के आधार पर आप इसे लागू करते हैं, तो किस तरह से फॉलो किया जाता है, कुछ उदाहरण देकर हमें समझाएं कि किस तरह से आप आसान तरीके से बच्चों को वो चीजें समझाते हैं जो उन्हें वाकई बहुत मुश्किल लगती हैं। जैसे 3-in-1 है हमारे पास, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। ये खिलौना, इसको हम 3-in-1 खिलौना बोलते हैं एंड ये शायद आपको दिख पाए यहाँ पर जी, जी। और एक चप्पल के टुकड़े पर दो स्ट्रॉ हमने जोड़ दी और इस कुछ इस तरह से जोड़ी कि एक तरफ से अगर हम इसको पानी के गिलास में डालकर सीटी बजा फूक मारते हैं तो सीटी बजती है, और अगर दूसरी तरफ से डालकर बजाते हैं तो फुव्वारा निकलता है, और फिर तीसरी तरफ से डंडी लाकर घुमाते हैं तो एक स्प्रिंकलर बन जाता है। तो ये एक छोटा सा खिलौना, आधे पैसे का खिलौना, तीन तरीके से काम करता है, सीटी बजती है, स्प्रिंकलर बनता है और फुव्वारा बन जाता है। तीनों में विज्ञान के बहुत बेहतरीन तीन सिद्धांत चल रहे होते हैं। और कल्पना करिए, जब हमारे दूसरी के बच्चे, तीसरी के बच्चे सुबह आकर गमले में इस फिरकनी को घुमाकर गमलों में पानी देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप अंदर चला जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और हम लोग इसी तरह की नई नई चीजें बनाते रहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में पीछे दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करके दिखा रहा हूं, ये थोड़े से मॉडल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं एक बार पूरा घुमा के दिखाता हूं हमारी लैब का थोड़ा सा नमूना। ये ऐसी लैब है छोटे से कमरे की, जहां पर हम लोग दिन भर खेल खिलौने बनाते रहते हैं और शाम को इतना मजा आता है कि आराम से घर का खर्चा चल जाता है। और इसके लिए भारत सरकार के भी हम बहुत आभारी हैं, या IIT गांधीनगर के, जिन्होंने हमें छोटी सी जगह दी, दो तीन कमरे दिए, जहां पर हम लोग ये बहुत ही साधारण सामान से प्रयोग करते हैं और फिर इनको हम बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ वर्कशॉप के तौर में लेकर जाते हैं। सो आधा समय हमारा नई चीज़ें बनाने में लगता है और आधा समय वही काम टीचर्स के साथ करने में लगता है। हम पांच लोग यहाँ पर काम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा था, हमारे साथी ये मेरी तरफ जो गौरव थे, वो अभी IIT बॉम्बे से अपनी BTech और MTech खत्म करके आए हैं, नीरज शर्मा वो दिल्ली से अपनी BTech करके आए हैं, रवि सिन्हा जो अभी यहाँ पर नहीं है वो IIT दिल्ली से पढ़ के आए हैं, काफ़ी सारे लोग जो बड़ी जगह नौकरी कर रहे थे IIT के बच्चे अब हमारे साथ आकर जुड़ गए हैं, ताकि उनको भी कुछ सार्थक काम करने की रुचि है और यहाँ पर साथ जुड़कर हम लोग ये एक तरह से ये सारी चीजें, हम चाहते हैं कि हर स्कूल में ऐसा कुछ सामान पहुंच पाए, ऐसी चीजें पहुंच पाए जो बच्चे हमारे बोर हो गए हैं विज्ञान और गणित से, वो अपने हाथ से कुछ कुछ बनाकर मजा लेना चालू कर दें
और जब मजा करेंगे और बनाकर कुछ अंदर चीज खोजेंगे तो अपने आप से विषय सरल हो जाएगा। जी मनीष जी, जैसा कि आप भारत के बहुत सारे शहरों में, अभी अलीराजपुर की बात हुई, आप बहुत सारे गांव, छोटे कस्बे और शहरों में आप अलग अलग जगह पर गए हैं, वहां पर आपने शिक्षा व्यवस्था को देखा है, बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ाया या सिखाया जाता है, क्या कुछ पाया आपने? हर जगह तरीका या बच्चों का जो लेवल है वो अलग अलग होता है, या उसमें किस तरह से बदलाव करने की ज़रूरत आपने महसूस की? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो भी कार्यशालाएं करी शिक्षकों के साथ, लगभग मैं ऐसा कह सकता हूं हम लोगों ने अगर 7-8 हज़ार शिक्षकों के साथ अब तक काम करा, छत्तीसगढ़ में लगभग 4 हज़ार शिक्षकों के साथ और बाकी प्रदेशों में भी, शिक्षकों ने 31 साल तक की शिक्षक जो थे, जिनकी 6 महीने बचे थे रिटायरमेंट होने में, उन तक ने ये कहा कि हमारी पूरी सर्विस में आज तक की ये पहली कार्यशाला है जिसमें हम 2 दिन तक बैठे। अभी तक तो हम बस आते थे, सुबह साइन करा और चले जाते थे, इंतजार करते थे कब चाय मिले, और यहाँ पर तो हमें इतना मजा आया, जैसा कि आप इस क्लिप में भी देख रहे हैं, सभी शिक्षक इन छोटे छोटे सामान से खुद मशगूल होकर चीजें बनाते हैं और उसको समझते हैं। जहां तक कि बच्चों का सवाल है, अभी तक भी हम लोग काफी कुछ अपनी ऊर्जा पाठ्यक्रम को कवर करने पर लगा रहे हैं, हमें कायदे से पाठ्यक्रम को अनकवर करना पड़ेगा। इसका उदाहरण मैं छोटा सा देता हूँ, अलीराजपुर में पहली बार हमने ये प्रयोग करा, हमने शिक्षकों को और ये प्रयोग दिया कि जब हम जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं और घटाते हैं तो एक तरफ से चलते हैं, इकाई ढाई से सैकड़े हजार की तरफ, लेकिन जब भाग देते हैं तो उल्टी तरफ से जाते हैं, ऐसा क्यों? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था शिक्षकों के पास, तो जैसा इसमें बोर्ड में भी दिख रहा है, तो हमने कहा चलिए ऐसा करते हैं इस बार भाग उल्टी तरफ से देते हैं, जैसे उल्टी मतलब सीधी तरफ से, जैसे जोड़ में और घटा में और गुणा में करते हैं वैसे ही भाग में भी उसी तरफ से करेंगे। तो हमने 1234 को 4 से भाग करवाया और नतीजे इतने विचित्र निकले कि उत्तर 1234 से ज्यादा आ रहे थे लोगों के। तो मतलब थोड़ी सी हास्यप्रद बात भी है, मजा भी आता है, लेकिन थोड़ी सी संगीन भी है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा पाठ्यक्रम के ऊपर जोर रहे हैं, समझ के ऊपर जोर नहीं है। हमें ये तो मालूम है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसको रट के तो हमने बता दिया 1234 में 2 की प्लेस वैल्यू 100 है, लेकिन उसका मतलब असल में अभी हमें समझ नहीं आया। और ये डिग्रियां जो हमने ले रखी हैं, जैसे मेरे पास बीटेक की डिग्री है, फिर मैंने थोड़े स्टैनफोर्ड में कोर्सेज करे, ये डिग्रियां तो अपन लोग बहुत सारी हासिल कर लेते हैं, MSc BSc, लेकिन क्या वो रियली हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देती है, सैद्धांतिक समझ बढ़ाती है क्या? ये तो शोचनीय प्रश्न है। और ये बात हमने हर जगह लगभग ऐसी ही पाई, 100 रुपए किलो लोहा ज्यादा होता है या 100 रुपए लीटर, ये बात हमें अभी तक ठीक से समझ नहीं आई है। जी मनीष जी, जैसा जो आपका प्लान है करो और सीखो, अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए सभी जगहों पर शिक्षा के लिए, तो किस स्तर से इसे शुरू किया जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इसके ऊपर जितनी जल्दी हो हमारी क्लासों के अंदर ये पहुंचना चाहिए, और क्लासों इतने सारे हमारे विद्यालय हैं, उसमें पहुंचने का एक ही जरिया है कि हमारे शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे। और सामान तो ज़्यादा महंगा है नहीं, तो ये तो हमारे पास नहीं कह सकते कि संसाधन की कमी के कारण हम नहीं ये कर पा रहे हैं। तो उसमें मुझे यही लगता है कि जैसे हमने छत्तीसगढ़ में एक प्रयोग करा 1 साल तक, वैसे ही अगर बाकी राज्यों में ये प्रयोग करें, शिक्षकों के साथ अगर हम सभी जिलों में जाकर ये कार्यशालाएं करें, MP के 51 जिले हैं, अगर 51 के 51 जिलों में अगर हम जाएं और ये काम करें, तो पहली बार में अगर हम मान लीजिए 7-8 हज़ार 6 हज़ार शिक्षकों के साथ काम करते हैं, उनमें से फिर हम जिनकी बहुत ज़्यादा रुचि है, और ऐसे हर वर्कशॉप में हमें मिलते हैं शिक्षक जिनको इतनी अथाह रुचि हो जाती है, वो कहते हैं कि सर आपके साथ ही आपकी लैब में चलते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि हम अकोमोडेट कर पाएंगे नहीं, बट उनमें से फिर मान लीजिए अगर 100-150-200 शिक्षक हमारे साथ आ जाएं, जिनके साथ हम लग कर फिर 100-150 1 या 2 हफ्ते तक फिर से काम करें, और वो लोग आगे जाकर एज मास्टर ट्रेनर्स और मास्टर फैसिलिटेटर्स जाकर अपने 10-10 दिन की जो आपके यहाँ टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती है उसमें जाकर बाकी शिक्षकों के साथ काम करें, हर जिले के अगर वो जो फैसिलिटेटर बन जाएं, तो ये काम हमारा बहुत सरल हो जाएगा। ये काम मुझे लगता है हर प्रदेश में चालू होनी पड़ेगी, और हमारे साथी लोग, यंग साथी लोग जो यहाँ पर हैं, 5 साथी और हैं और भी जुड़े हुए जो मित्र हैं, ये काम करने में हम लोग अब बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए बिल्कुल तैयार हैं, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ या चाहता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हम ये पहल कर पाएं,
अपने भाइयों, अपने शिक्षक भाइयों और बहनों के पास ये चीजें अगर हम ले जाएं, तो उनकी दिन भर की जो वो जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने में उनको पूरा दिन लग जाता है, फैराडेज का प्रिंसिपल पढ़ाने में जो पूरा दिन लगता है, अगर वो इतना सरल सा जनरेटर बना दें तो मैं आपको एक छोटा सा एक खिलौना दिखाता हूँ, फिजिट स्पिनर जो होता है, ये साधारण सा फिजिट स्पिनर है। फिजिट स्पिनर तो सभी लोग जानते हैं, ये फिजिट स्पिनर है, ये जानते हैं बच्चे खूब घुमाते हैं। इसके नीचे हमने चुंबक लगा दी और कॉइल बना दी। अब हम इसको घुमाते हैं जोर से तो बत्ती जल जाती है, और ये बत्ती इसलिए जली क्योंकि इसके पीछे फैराडेज का सिद्धांत चल रहा है। और इसके साथ अगर हम फैराडे की कहानी भी सुना दें कि फैराडे ने किस तरह से ये बत्ती इजाद करी थी, तो और भी विषय रोचक हो जाता है और बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। तो मैं यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे शिक्षक लोग ये सारी चीजों का इस्तेमाल करें और अपने साथ बच्चों को अपनी क्लासों में ये लेकर जाएं। ठीक है मनीष जी, जल्दी से जल्दी वाकई इसे लागू किया जाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने में मज़ा आए, जो टीचर्स हैं उन्हें भी पढ़ाने में मज़ा आए, कोई भी सब्जेक्ट अगर बोरिंग है तो वो इंटरेस्टिंग और हो जाए। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि अगर इसे लागू किया जाता है तो क्या प्राइमरी स्टेज से लेकर हायर सेकेंडरी तक इसे एक ही तरह से लागू किया जा सकेगा या फिर वहाँ पर भी अलग अलग मापदंड होंगे इसके? बिल्कुल अलग होंगे, खिलौने वही रह सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा था ये हमारा 3-in-1 खिलौना, इसमें अगर हम प्राइमरी में जाएंगे तो बच्चों को इसके पीछे सेंट्रीफ्यूगल या केंद्र त्यागी बल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वहां तो हम सिर्फ घुमाकर बच्चों के साथ खेलेंगे। क्लास में ये लेकर जाएंगे तो बोलेंगे चलो आज देखते हैं, सब लोग अलग अलग कोणों पर इसको बनाते हैं और देखते हैं किसका मानी सबसे दूर जाता है। लेकिन अगर वही काम 10वीं में करेंगे तब हम बोलेंगे कि चलो अब निकालते हैं कि इसमें कौन से बल लग रहे हैं जिसके कारण 45 डिग्री पर फेंकने पे गेंद सबसे दूर जाती है, तो इसमें पानी की बूंद सबसे दूर कितने कोण पर जाएगी। नाउ सडनली वी कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अब हम जो भौतिकी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो खिलौने अलग अलग हो सकते हैं बट समझाने का तरीका तो बिल्कुल अलग होगा या बताने का तरीका तो बिल्कुल अलग होगा। हर खिलौना अलग अलग लेवल पर बात करता है, उसको अंदर हम कितनी गहराई में जाएंगे ये उस पर निर्भर करता है कि हमारे हमारी कितनी पात्रता है और हमारे बच्चों की कितनी योग्यता है, दोनों के ऊपर बिल्कुल निर्भर करेगा। जी मनीष जी, जैसा कि आपने ये इनोवेटिव जितने भी आइडियाज़ हैं शिक्षा पर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या कोई और भी प्लान है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए? तो ये बेहतरीन है ही, जैसे फुनसुख वांगड़ू की हम बात कर रहे थे कि आपको एमपी का फुनसुख वांगड़ू भी कहा जा रहा है, तो क्या इसका लेवल और भी आप आगे बढ़ाएंगे? पहली बात तो ये कि मैं एमपी का, वैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ और अब IIT गांधीनगर में रहता हूँ, तो ये तो मुझे मालूम नहीं कि फुनसुख वांगड़ू कहाँ के हैं और क्या हैं, ये तो आप लोगों ने कुछ नाम रख दिया। पर एब्सोल्युटली हम लोग ये पूरे टाइम यही काम करते रहते हैं। ये हमारे जो साथी हैं, नीरज जरा जल्दी से बोल्ट ला के दिखाना, अभी हम लोगों ने ये एक छोटा सा खिलौना बनाया जिसको हम बोल्ट के नाम से जानते हैं, और ये दुनिया की सबसे ही कह सकते हैं वॉकिंग मशीन है, और ये एक सिंगल मोटर से चलती है। बनाने की अगर कीमत में कहूं तो लगभग 200-300 रुपए आए। रोबोटिक्स तो अपन लोग बहुत करते हैं, लेकिन क्या बहुत ही सरल, जिस तरह से गाय चलती है उस तरह से एक मशीन बना सकते हैं जो गाय की सर्कुलर मोशन गेट ट्रांसफर्ड इनटू लीनियर मोशन जस्ट बाय यूजिंग द लैम्डा मैकेनिज्म। 4 लैम्डा लगे हैं, इस तरह की हम लोगों ने एनिग्मा दिखाना, इस तरह की बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं। एक और अभी हम लोगों ने मशीन बनाई जो अभी अभी बनकर तैयार हुई है, कुछ परेशानी के चलती ना, जो एनिग्मा मशीन जिसे कहते हैं, ये मशीन 1940s में बनी थी, जिसको इनफैक्ट इट इज सो इंटरेस्टिंग कि ये मशीन के कारण दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना था। इस मशीन को एनिग्मा मशीन कहते हैं, इसके थ्रू जर्मन्स अपने मैसेजेस अपनी पनडुब्बियों को भेजते थे और उसी के कारण विश्व युद्ध इतनी देर तक चला। अगर ये मशीन नहीं होती तो इतने सारे लोगों की जाने ना जाती। और एलन ट्यूरिंग ने जब कंप्यूटर का आविष्कार करा तो इसी मशीन का तोड़ निकालने के लिए इस मशीन का आविष्कार करा, और जब उन्होंने इस मशीन का तोड़ निकाला तो 2 साल पहले कहते हैं विश्व युद्ध खत्म हो गया और लगभग 20 लाख लोगों की जाने बची। अब मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की चीजें हमारे बच्चे खुद अपने हाथों से बनाएं
तो कंप्यूटर साइंस का इतिहास भी समझेंगे, और हो सकता है कुछ नई मशीन अपने आप बनाए, कोई नया क्रिप्टोग्राफिक का मैकेनिज्म निकालें जिससे ये सारे काम आगे अपन लेकर जा सकें। ये मशीन वैसे तो बहुत महंगी बिकती है अगर हम इंटरनेट पर खरीदें, पर हमने बहुत ही लगभग $20,000 की इंटरनेट पर मिलती है, हमने तो बहुत ही कम पैसे में बनाई क्योंकि हम लोगों ने अपने हाथों से खुद बनाई। नीरज जो हमारे साथ हैं, गौरव हैं, रवि हैं और पंकज हैं, सभी हम पाँच लोग जो यहाँ पर काम करते हैं। इंटरेस्टिंगली पांचों लोग इंजीनियर भी हैं, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट वी आर इंजीनियर्स। इट्स जस्ट दैट हम लोग की रुचि है इस काम में, ऐसा कह सकते हैं। अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं इसी तरह का काम करना चाहते हैं। जी मनीष जी, जैसे आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं, कार्यशाला लेते हैं, मतलब वर्कशॉप लेते हैं आप टीचर्स की, और भी बहुत सारे लोग इससे जुड़ते होंगे, क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स होता है? जैसा मैं आपको बता रहा था, टीचर्स का तो रिस्पांस बहुत ही स्टैंडर्ड है। हमारे पास ऐसी भी चिट्ठी आई, हम लोग एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके पांच जो जोन्स हैं उसमें हम लोगों ने पांचों जोन में जाकर हर जोन के 100-100 टीचर्स के साथ वर्कशॉप करी, चार चार दिन की, तीन जगह करी, दो जगह अभी और करनी बाकी है। रिस्पॉन्स इज वेरी क्लियर एंड ओवरवेलमिंग दैट यू नो दिस इज समथिंग दैट वी लव्स, मतलब ये इतना अच्छा हमें लगा और इतना अच्छा लगा कि हम जाकर अपने स्कूलों में करने की कोशिश करेंगे। पर टीचर्स का एक और कहना भी होता है कि हमारे पास समय की कमी है, हमें पाठ्यक्रम खत्म कराना है और बहुत सारी परेशानियां। पर सर इतनी गारंटी आपको जरूर देते हैं कि कम से कम अपने दो बच्चों के साथ तो जाकर जरूर करेंगे, तो हम उसी में ही थोड़ा सा खुश हो लेते हैं। सो इसेंशली व्हाट दे आर सेइंग इज दैट बहुत अच्छा लगा और बहुत समझ इससे बढ़ती है किस तरह से ये क्लासों में जाएगा। ये तो जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गंभीरता से इसको लेकर डालने की कोशिश करेंगे तो उसके आंसर्स भी निकलेंगे। कई बार हमको लगता है कि पाठ्यक्रम के कारण हम बंधे हुए हैं, अगर इन चीज़ों को लेकर हम लोग इस्तेमाल करना चलें, यूज़ करें अपने क्लासों में, तो हो सकता है पाठ्यक्रम आसान भी हो जाए। हो सकता है जिस चीज़ को पढ़ाने में हमें 3 साल लगते हैं, सोचिए स्थानीय मान पढ़ाता हम बच्चों को दूसरी में चालू कर देते हैं, दूसरी तीसरी चौथी तक स्थानीय मान पढ़ाते हैं, और वही स्थानीय मान जब हमने 14वीं के बच्चों को पूछा, जिन बच्चों ने MSc BSc करी हुई थी, तो 16 को 24 से अपन उल्टी तरफ से गुणा नहीं कर पा रहे थे। सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गोज इन द क्लास इज वेरी क्वेश्चनेबल, वी हैव टू वेरी कैटेगोरिकली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। मतलब मैं मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आपसे खुद ट्रेनिंग ली है, उनसे भी बात कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद मैडम। आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने भी ट्रेनिंग ली है मनीष जी से, क्या कुछ पाया, क्या अनुभव रहा आपका? मनीष जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और उन्होंने लो कॉस्ट से खिलौने बनाना और खिलौनों से समझाना बच्चों को, ये समझाया जो कि बहुत रोचक था। थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, जो एक बेहतर जानकारी रही है और काफी अच्छा कहा है। हमारा 2 दिन का ये वर्कशॉप था जिसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, इसके माध्यम से हम बच्चों में भी बहुत सारी जानकारी डेवलप कर सकते हैं। जी राघवेंद्र जी, आप एक अध्यापक हैं, बच्चों का मानसिक स्तर भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्या लगता है आपको कहां से और किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? मैडम, ये निचले स्तर से ही हम इसमें इसको लागू कर सकते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें रुचि पैदा करना होती है और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा थ्योरेटिकली होता है, यानी उसमें सिर्फ रटने के अलावा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर जो ये वर्कशॉप हुई इसके अंदर हमको सारी चीजें प्रैक्टिकली हुई है, इसमें कॉपी पेन का तो कहीं पर कोई इस्तेमाल था ही नहीं, जो भी बातें थी वो हमको प्रैक्टिकली वर्क करके देखना थी और उसके द्वारा वो सिद्ध करना था कि इसमें यहाँ पर ऐसा होता है। छोटे छोटे उन्होंने खिलौने बनाए थे और उसके माध्यम से सिद्धांतों को समझाया था जो कि काफी रोचक था और वो प्रेरक रहेगा बच्चों को यदि ऐसे पढ़ाया जाएगा तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी बातचीत के लिए। हमारे साथ मनीष जी अभी भी बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी, एक सवाल और करना चाहूंगी, आप चूंकि अमेरिका की बात हुई, आप नौकरी छोड़कर आए भारत में, आपने बैंगलोर में नौकरी की, उसके बाद वो सब छोड़कर आप इस क्षेत्र में सक्रिय हुए, परिवार का कैसा रिस्पॉन्स मिला, उनका क्या कुछ कहना था?
अच्छा सवाल है। परिवार का तो सहयोग शुरू से ही था, भारत वापस आने में भी परिवार का पूरा सहयोग था, और बैंगलोर से जब हम गुप्ता जी के साथ लैब में पहुंचे, 3 साल तक जब मैं वहां काम करता था, शुरू में 1.5-2 साल तक तो मैं सिर्फ वॉलंटियर ही था, मतलब कुछ पैसे भी नहीं मिलते थे, तो पूरा ही सहयोग था। हम लोग सह परिवार बैंगलोर से पुणे आ गए और वहाँ पर 3 साल तक हम काम करते रहे। उसके बाद गुप्ता जी जब रिटायर हुए और यहाँ पर फिर यहाँ के जो IIT गांधीनगर के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर जैन, उन्होंने यहाँ पर आने का आमंत्रण दिया, तो हमने जब वहाँ पर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो फिर हम लोगों ने अर्लियर पिछले साल मार्च के दौरान यहाँ पर आने का निर्णय लिया। तो परिवार का शुरू से ही पूरा सहयोग था। मेरी पत्नी जो है वो भी अमेरिका में जॉब करती थी, यहाँ भारत में आने कर उन्होंने भी जॉब छोड़ दी क्योंकि वो कुछ सार्थक करना चाहती थी। अब वो काउंसलिंग बच्चों की मानसिक स्थिति के ऊपर किस तरह से काम करा जाता है उसमें IIT गांधीनगर में कुछ मदद करती हैं, और बच्चों का भी पूरा ही सहयोग है। मेरा लड़का जो है वो थोड़ा सा घर पर ही पढ़ा, 7वीं से 10वीं तक स्कूल भी नहीं गया, घर पे ही पढ़ाई हुई, और अब तो मैं ये कहूंगा कि ये काम इसलिए ही हो पाया क्योंकि परिवार का बहुत सहयोग था। अक्सर परिवार का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी अच्छे और बड़े काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और बातचीत के लिए। तो वाकई इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।